हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मैजिक एडियो के यूट्यूब चैनल पर। एंड हाँ, मैं प्रीतम नेगी आज आपके लिए लेके आ गया हूँ डिवीजन ऑफ कंटिन्यूअस का दूसरा भाग। सभी को इस वीडियो चालू करने से पहले, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे एंड अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे। सो हाँ, इसी उम्मीद के साथ अब हम शुरू करते हैं। सो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग दूसरे भाग में एग्जैक्टली पढ़ने के वाले हैं। ये बता दूं मैं आप सभी को कि ये आखिरी भाग होगा डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स का। इसके बाद हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि होगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। सो हाँ, शुरू करते हैं। सो आज बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगा कि एक पॉलिनोमियल को एक बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, आज बाइनोमियल का इस्तेमाल करेंगे उसी जगह पर, ठीक है। एंड देन अगर हमें ये कंसेप्ट समझ आ गया तो हम प्रैक्टिस सेट 10.2 की तरफ बढ़ेंगे। सो हाँ, शुरू करते हैं। सो हाँ, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि बेसिकली एक पॉलिनोमियल को एक बाइनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। सो ये प्रोसेस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। सो हाँ, एग्जांपल लूंगा मैं इसका, ठीक है। सो एग्जांपल ये है। सो सपोज मुझे करना है, सपोज एक सेकंड रुकना, ठीक है। तो सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं कि x² + 4x + 4 डिवाइड बाय x + 2। सो सपोज ये एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। एंड अब इसको डिवाइड करूंगा मैं, कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जानबूझ करके मैंने x+2 को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस टर्म पर फोकस करना है, इसके पहले टर्म पर और इसके पहले टर्म पर। इन दोनों को ना आप मोनोमियल कंसिडर करके डिवाइड करो सबसे पहले, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x² / x, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, फोर, सॉरी इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ, एक एक्स कट हो जाएगा, राइट। सो मेरे पास एक्स ही बचेगा, ये जो मुझे मिला ना मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट का टर्म है ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पूरा का पूरा, ठीक है। सो अब मैं करूंगा स्टेप बाय स्टेप, हर बार ये स्टेप रिपीट करना है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, x+2 * x, ठीक है। सो होगा क्या कि बेसिकली x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड देन x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो ये बनेगा x² + 2x, ठीक है, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो मैंने मार्किंग्स की हटा देता हूँ, ठीक है। सो हाँ, अब मैं लिखता हूँ कि बेसिकली मुझे क्या टर्म मिला, मुझे मिला x² + 2x, ठीक है। इसके बाद तो आपको पता होगा राइट, साइंस चेंज करते हैं हम लोग। सो वो करूंगा मैं। सो ये साइंस चेंज होंगे, ठीक है। अब x² - x² तो चला गया पूरी तरह से, वो चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 4x - 2x होगा 2x और ये +4 होगा, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस वापस फॉलो करूंगा मैं, क्या करूंगा इसको पकड़ूंगा, ठीक है, एंड इसका पहला टर्म पकड़ूंगा, ठीक है। इसको भी करता हूँ मैं। सो ये 2x / x होगा, राइट, ठीक है। एक्स एक्स कैट हो गया, मुझे 2 मिला। सो मैं क्या करूंगा, साइन के साथ +2 मिला, राइट, ठीक है। सो +2 लिख दूंगा। अब ये पूरा का पूरा x+2 मैं इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जो नया कोशेंट मिला। बेसिकली याद रखना, मैं जब भी कुछ नंबर ऐड करूंगा वहां पर तो मैं इसको नया कोशेंट बोलूंगा, राइट, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, 2 * x+2 करना है, ठीक है। सो ये क्या होगा, 2 बेसिकली एक्स के साथ होगा एंड देन बेसिकली 2 2 के साथ भी होगा। सो ये मिलेगा 2x + 4, ठीक है। अब यहाँ पर ना बच्चों एक बहुत बड़ी ध्यान देने की चीज है कि बच्चों का एक इंप्रेशन रहता है कि सर हमेशा हमें ऐसे ही नंबर मिलेगा क्या, बेसिकली मैचिंग मैचिंग वाला जो कैंसिल हो जाए। नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि 2x + 4 था एंड मुझे वहां पर भी वही डिविडेंड आया, समझ रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई करके। हमेशा ऐसा नहीं होगा, वो इंप्रेशन में मत रहना कि रिमाइंडर 0 ही आएगा हमेशा, ठीक है। सो साइंस चेंज होंगे एज यूजल, ठीक है। सो 2x - 2x 0 होगा एंड 4 - 4 भी 0 होगा, ठीक है। सो मेरा क्वोशेंट बन रहा है बेसिकली x+2 एंड मेरा रिमाइंडर बन रहा है बेसिकली 0। सो ये मेरा ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, सो 10 सेकेंड रुकते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों सिंस हमने सीख लिया है कि बेसिकली पॉलिनोमियल को एक बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 10.2। सो पहले प्रॉब्लम की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सो इसको मैं सॉल्व करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है, एंड ये लिखूंगा मैं y² + 10y + 20।
सबसे पहले मैं वाई स्क्वायर और वाई को पकड़ूंगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म है राइट, सो यहाँ पर करता हूँ वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई, सो ये कट हो जाएगा, ये वाई मिलेगा मुझे, ठीक है, तो यहाँ पर वाई लिखूंगा मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को इसके साथ, ठीक है, सो इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए था वो, ठीक है। सो ये होगा वाई इंटू वाई प्लस फोर, सो अगर मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई। सो आराम से आप लिखो यहाँ पर, ठीक है, आराम से लिखो, सो वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई, ठीक है, साइंस चेंज करेंगे एज अ रिचुअल, ठीक है। सो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, वाई स्क्वायर चल बसेंगे, ठीक है, टेन माइनस फोर होगा सिक्स, सो ये होगा सिक्स वाई, और ये 24 भी नीचे आ सकता है राइट विद साइन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 6y को पकड़ूंगा और डिवाइजर में y को पकड़ूंगा, तो देखना ध्यान से, 6y अपॉन y, सो y y कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा, साइन के साथ ही लिख दो आप, ठीक है, तो प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, y प्लस 4 को 6 के साथ करना है, सो 6 इंटू वाई प्लस 4, कोइंसिडेंटली वापस क्या हो रहा है, बेसिकली जो चाहिए था वही मिल रहा है, ताकि मेरा डिविडेंड जीरो है, बट हमेशा इतना हैपनिंग या गुड नहीं रहेगा मेरा प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर डिफिकल्टी भी आ सकती है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है, तो इसलिए आराम से करना है, साइन चेंज करेंगे, ठीक है, तो 6 माइनस 6 जीरो हो जाएगा, 24 माइनस 24 भी जीरो हो जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली बन रहा है 5 प्लस 6, ठीक है, एंड मेरा रिमाइंडर बन रहा है 0, सो ये मेरा आंसर है। सो काफी सिंपल सा प्रॉब्लम था, अगेन 5 सेकंड की विश्रांति ली जाएगी एंड देन हम अग्रसर होंगे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ, ये प्रॉब्लम करता हूँ मैं अभी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम थोड़ा जंबल्ड है, तो इसको थोड़ा सीधा करते हैं, ठीक है। सो इसको सीधा कैसे किया जाएगा देखना जरा ध्यान से, ठीक है। सो इसको मैं सीधे जरा लिख सकता हूँ 4x³, मतलब एकदम ऑर्डर में सबसे बड़े टर्म के साथ शुरू करना है, फिर 2x² प्लस 3x, ठीक है, एंड यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, बेसिकली नंबर वाला टर्म, तो मैं उसकी जगह पर 0 लिखूंगा, ठीक है, एंड ये डिवाइड होगा x माइनस 4 से। अब करते हैं इसको डिवाइड, सो अच्छी तरह से लिख देंगे x माइनस 4 एंड देन ये होगा 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 0, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करता हूं मैं, ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, 4x³ को पकड़ता हूं मैं सबसे पहले, ठीक है, एंड x को पकड़ूंगा, सो एक x कट हो जाएगा, यहां पे 2 बचेगा, सो ये 4x² बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4x² आएगा। सो मैं क्या करूंगा, अब मेरे डिवाइजर को और नए क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूंगा, सो मैं क्या करूंगा, 4x² इंटू एक्स माइनस 4, सो ब्रैकेट खोलते हैं आराम से, सो 4x² इंटू एक्स होगा 4x³ माइनस 4x² इंटू माइनस 4 होगा माइनस 16x², ठीक है। अब तो यहाँ पर ये बन रहा है 4x³ माइनस 16x², साइन चेंज होंगे, सो ये माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा, सो पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि इसलिए वो टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है राइट, सो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x³ माइनस 4x³ 2x² प्लस 16x², सो हमें ये साइन पर ध्यान देना है, ठीक है, ये नहीं, ये पुराना हो गया बेसिकली, ठीक है, 2x² प्लस 16x² होगा 18x², सो 18x² प्लस 3x, ठीक है, ये नीचे आएगा ये टर्म, ठीक है। अब मुझे 18x² को पकड़ना है और x को पकड़ना है, सो 18x² डिवाइड बाय x, एक एक्स कैंसिल होगा, सो ये बनेगा 18x, ठीक है, सो यहाँ पर आएगा प्लस 18x, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिवाइजर को और नए क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूंगा स्टेप बाय स्टेप, सो 18x इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, सो ये बनेगा 18x², ठीक है, 18 4s, सो यहाँ पर करते हैं रफ में, 18 4s 72 होता है वैसे, ठीक है, 72, ठीक है, सो ये होगा माइनस 72x, ठीक है, सो ये बनेगा 18x² माइनस 72x, ठीक है। अब साइन चेंज होंगे, सो यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए, ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा, ये ऐड होगा और 18 18 कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 75x, ठीक है। अब भी किया जा सकता है इसको थोड़ा सा, अब भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 75x को पकड़ूंगा, सो आप देख सकते हो सीरीज ऑफ कैलकुलेशंस कितने बढ़ रहे हैं राइट, 75x को पकड़ूंगा और x को पकड़ूंगा, सो x कैंसिल हो जाएगा, 75 बचेगा, ठीक है, तो प्लस 75 भी आ सकता है आप, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, नए क्वेश्चन को डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, तो 75 इंटू एक्स माइनस 4 करना है, 75x माइनस 75 4s, राइट, करते हैं 75 4s 5 4s 20
28 और 300 हो जाएगा ये, सो माइनस 300, ठीक है, सो ये बनेगा 75x माइनस 300, ठीक है, एक सेकेंड, ओ सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा ये, सॉरी सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, अब सो 75x माइनस 300 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं प्लस जीरो लिख सकता हूँ, राइट, जीरो को नीचे लेके, ठीक है, अब मुझे जो टर्म मिला वो है 75x माइनस 300, ठीक है, साइन चेंज होंगे, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 75x माइनस 75x कैंसिल, ठीक है, एंड जीरो प्लस 300 इज 300, सो 300 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 75, एंड मेरा रिमाइंडर बन रहा है 300, सो यहाँ पर जीरो नहीं था, यही तो पॉइंट है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से नोट डाउन करना, ठीक है, सो यहाँ पर ये सम खत्म हो गया, विश्रांति ली जाएगी 5 सेकंड की, आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एंड देन आगे बढ़ेंगे, एक दो तीन चार एंड पांच, थोड़ा ध्यान से करना बच्चों इसको, क्योंकि ये कैलकुलेशन आप देख सकते हो कितना वास्ट है, राइट, ठीक है, अब इसको करते हैं, ये भी सीधा राउंड नहीं है एक्चुअली, ठीक है, सो करते हैं इसको अच्छे से अरेंज करता हूँ मैं पहले, सो अरेंजमेंट देखना है इसका, सो सबसे पहले x स्क्वायर टू 4 का टर्म आएगा, ठीक है, फिर x क्यूब का टर्म आएगा, फिर x स्क्वायर का टर्म आएगा, सो हाईएस्ट डिग्री से चालू करना है, एक एक घटाते जाओ बेसिकली, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और फिर माइनस 12, सो ये ऐसा दिखता है, एंड डिवाइजर देखना, डिवाइजर बनेगा x स्क्वायर प्लस 2, सो ये ऐसा बनेगा पूरा टर्म, ठीक है, अब शुरू करते हैं, तो यहां पर लिखता हूं मैं इसको x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इसको लिख दिया, ठीक है, एंड देन x रेज टू 4 प्लस x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, सबसे पहले x रेज टू 4 को और x स्क्वायर को पकड़ेंगे, राइट में करना है इसको सॉल्व, हां ठीक है, यहां पर ही करेंगे x रेज टू 4 बाय x स्क्वायर, सो दो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सो ये बनेगा x रेज टू 4 माइनस 2, दैट इज x स्क्वायर, ठीक है, सो मैं क्या करूंगा x स्क्वायर को लिख दूंगा यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा जो मेरे को कोशेंट मिला उसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो मेरा क्या बनेगा टर्म x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, सो ये बनेगा x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, सो बच्चों आप देख सकते हो कि वहां पर 4 3 2 ऐसा टर्म्स है, राइट, पावर में बेसिकली x रेज टू 4 प्लस x क्यूब, राइट, बट यहां पे x क्यूब है ही नहीं, सो इसको मैं घुमा के लिख सकता हूं थोड़ा सा अरेंज करके, x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे लिखना है थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो लिखते हैं प्यार से थोड़ा, सो x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा, ठीक है, साइंस चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड ये भी माइनस होगा, ठीक है, अब देखना ध्यान से, x रेज टू 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0 वही बचेगा, तो x क्यूब नीचे आएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 5x स्क्वायर होगा ये, एंड बाकी के दो टर्म्स भी नीचे ले सकता हूँ, ठीक है, सो प्लस 3x माइनस 12, ठीक है, अब मुझे क्या करना है x क्यूब और x स्क्वायर को पकड़ना है साइन, ठीक है, x क्यूब और x स्क्वायर को, सो ये होगा x रेज टू 3 माइनस 2, दैट इज x रेज टू 1, ठीक है, ये तो आपको इंडाइसेस की प्रॉपर्टी पता होगी, राइट, कि x a रेज टू m अपॉन a रेज टू n a रेज टू m माइनस 2 वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, ठीक है, अब मुझे क्या करना है ये लिख देना यहां पर, सो x लिख दूंगा, ठीक है, x लिख दूंगा, ठीक है, अब ये जो मुझे x मिला है इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं मेरे डिवाइजर के साथ, x स्क्वायर प्लस 2, सो ये बनेगा x क्यूब प्लस 2x, वापस आप देख सकते हो x क्यूब मुझे यहाँ पर बेसिकली स्क्वायर का टर्म नहीं मिल रहा है, सो उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x, इसको थोड़ा सा सजा के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख दूंगा यहाँ पर x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, साइंस चेंज होंगे, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 एंड माइनस 0 तो माइनस 5 ही बचेगा, माइनस 5 एक्स पर नीचे आएगा, प्लस माइनस माइनस, सो ये होगा प्लस x, 3 माइनस 2 x होता है 1 होता है, राइट, ठीक है, सो ये ऐसा बनेगा, अब मुझे माइनस 5 एक्स स्क्वायर पर और एक्स स्क्वायर पर फोकस करना है, ठीक है, सो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, मुझे मिलेगा माइनस 5, ठीक है, सो माइनस 5 यहां पर लिख दूंगा मैं, ठीक है, अब जो माइनस 5 मुझे मिला, ठीक है, सो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे डिवाइजर के साथ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ, ठीक है, सो ये बनेगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10, ऐसा बनेगा, ठीक है, वापस यहाँ पर x का टर्म नहीं है, सो ये इसलिए इसको थोड़ा सजा के लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 10, ऐसे, ठीक है, सो ये होगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर
जीरो एक्स माइनस 10 साइन चेंज किए जाएंगे, तो यहां पर इस बार प्लस होगा ये माइनस एंड ये भी प्लस होगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस फाइव प्लस फाइव, ठीक है, यहां पर आएगा एक्स, ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सो माइनस टू होगा ये, माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2 होगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो मेरा रिमाइंडर मुझे मिला है डिविडेंड अभी x माइनस 2, उसकी डिग्री कम हो गई है मेरे डिवाइजर से, यहाँ पर रुकना है बेसिकली, यहाँ पर रुकना है प्रोसेस को, ठीक है। याद रखना बच्चों कि जब भी आपकी डिविडेंड की पावर आपके डिवाइजर से कम हो जाए उस टाइम पर रुक जाना बेसिकली, ठीक है। x माइनस 2 की पावर देखो, x माइनस 2 की हाईएस्ट डिग्री बेसिकली 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो आपका डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 2 ना, सो यहाँ पर ये प्रोसेस रुकेगा बेसिकली, ठीक है। सो आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका कोशेंट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है, एंड आपका रिमाइंडर बनेगा एक्स माइनस 2, ये आपका आंसर आएगा। सो हाँ, अगेन आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, आप लोग नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, एंड बच्चों देन आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 काफी सारा कैलकुलेशन, राइट, सो आराम से करना बच्चे इसको थोड़ा, ठीक है, इसको करते हैं आखिरी प्रॉब्लम हमारा ये, सो आराम से करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसमें डायरेक्टली कूद सकते हैं, ठीक है, सो कूदते हैं, ठीक है। सो 4x-1 डिवाइड करना है हमें 4x^4 - 5x³ - 7x+1, सो सबसे पहले टर्म को पकड़ूंगा 4x^4, ठीक है, सो 4x^4 डिवाइड बाय 4x, ठीक है, तो 4 तो चल बसेगा, ठीक है, ये बनेगा x^4 - 1, सो ये होगा x³, ठीक है, सो x³ को यहाँ पर लिख दूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे x³ को मैं पूरे डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सो स्टेप बाय स्टेप, अब देख रहे हो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कुछ नया नहीं कर रहा मैं इसमें, ठीक है, सो ये बनेगा 4x^4 - x³, ठीक है, सो लिखता हूँ मैं इसको, तो ये बनेगा 4x^4 - x³, ठीक है, साइन चेंज हो गया माइनस, ये बनेगा प्लस, ठीक है, तो 4x^4 कैंसिल, माइनस 5x³ + x³, ठीक है, माइनस 5x³ + x³ माइनस 4x³, ठीक है, सो माइनस माइनस 5 + 1 - 4, सो माइनस 4x³, एंड ये बाकी के टर्म्स भी नीचे आ सकते हैं, सो माइनस 7x + 1, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, माइनस 4x³, ठीक है, डिवाइड बाय 4x, सो 4 ये वापस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये बनेगा माइनस x³ / x, ठीक है, दैट इज माइनस x³ - 1, सो माइनस x² बनेगा ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, माइनस x² यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, एंड मैं माइनस x² को मेरे डिवाइजर के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान से देखना ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 4x³ माइनस माइनस प्लस, सो प्लस x², ठीक है, सो ये बनेगा माइनस 4x³ + x² का टर्म नहीं है मेरे पास, ठीक है, सो एक सेकेंड, x² का टर्म नहीं है, करेक्ट, x² का टर्म नहीं है मेरे पास, ठीक है, सो x² का टर्म में जीरो लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दूंगा मैं, ठीक है, या तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको कैसे करते हैं। So, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ +0x² - 7x+1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, फिर ये क्या होगा, +0x² नीचे आएगा, -7x+1 ऐसा दिखेगा, ये दोनों टर्म्स भी नीचे आएंगे, हाँ, सो मेरा टर्म अब बन रहा है -4x³ + x², राइट, ठीक है, और बस करेक्ट, साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस, ठीक है, अब 0 - 1 होता है -1, सो ये बनेगा -x² - ये टर्म्स नीचे आएंगे, 7x+1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, -x² को डिवाइड करना है, सो यहाँ पर आता हूँ मैं, -x² को डिवाइड करना है 4x से, ठीक है, अब थोड़ा सा जान यहाँ पर लगने वाला है अभी हम लोग, ठीक है, सो अब क्या होगा, ठीक है, 1x कैंसिल होगा, ठीक है, सो ये बनेगा -x/4, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं -x/4 ऐसे, ठीक है, एंड -x/4 जो मेरा नया क्वेश्चन है उसको मेरे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा 4x-1 के साथ, ठीक है, सो दिखाता हूँ मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे अभी, ठीक है, सो ये होगा -x/4 - 4x - - + + x/4 - 1, सो वो x/4 ही होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, सो ये बनेगा -x² + x/4, ऐसा बनता है ये, एक्चुअली समझ रहे हो कितना ट्रिकी है ये, ठीक है,
सो हाँ आराम से करो बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई फोर, सो प्लस एक्स बाई फोर, ठीक है, साइन चेंज होंगे, एक सेकेंड, एक आ सॉरी, ठीक है, साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, राइट, कि -7x और +x/4 कितना होता है। तो एक्चुअली ना आपको इसको सॉल्व करना है, -7 + 1/4 कितना होता है, ठीक है। सो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, सो ये बनेगा -28 + 1/4, ठीक है। -7 - 1/4 करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, चाहिए, तो ये बनेगा -7 - 1/4, ठीक है। सो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा -28 - 1/4, दैट इज -29/4। सो फ्रैक्शनल टर्म आ रहा है अपने को अभी, ठीक है। अब इसको लिखू कैसे वो सोच लेता मैं, ठीक है। सो -29/4 x + 1, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन रब करता हूँ मैं, ताकि मैं थोड़ी जगह बना पाऊँ, थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करूंगा मैं। So, मैं क्या करूंगा, बाकी का पार्ट ना यहाँ पर करता हूँ बीच में, ठीक है। सो मेरे पास जो टर्म है वो है -29x + 1, ठीक है। सो मेरे को क्या करना है, -29x को पकड़ूंगा मैं एंड 4x को पकड़ूंगा, तो x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा टर्म बनेगा -29/4, ठीक है। अब -29/4 के साथ, 4 के साथ मैं 4x - 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो इसको ओपन अप करता हूं मैं, ठीक है। सो ये बनेगा -29/4 × 4x, ठीक है, +29/4, ऐसा। सो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -20 4 4 कैंसिल, सो ये बनेगा -29x + 29/4, सो -29x + 29/4, ठीक है। साइन चेंज होंगे, प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब हमें करना है 1 - 29/4, देख रहे हो आप कितना कष्ट है, बहुत कष्ट, ठीक है, बट आराम से करना है कैलकुलेशन, ठीक है। फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पे किया मैंने, ठीक है। अब मुझे करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये बनेगा 4 - 29/4, ठीक है। सो ये 29/4, सो 4 - 29 - 23/4। एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ मैं, करेक्ट, ठीक है। सो ये बनेगा -23/4। सो हाँ बच्चों, आंसर आ चुका है, डिग्री कम हो चुकी है बेसिकली। सो क्वेश्चन बन रहा है, एक सेकेंड, +29/4 को मैं ऐड भी कर देता हूँ यहाँ पर, -29/4 आया था, राइट, -29/4 यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन है x³ - x²- x/4 - 29/4, आप देख सकते हो कितना वाइल्ड, एंड रिमाइंडर आएगा इसका -23/4। तो आराम से आपको 10 सेकंड देता हूँ इसको नोट डाउन करने के लिए, आराम से नोट डाउन करो एंड देन आगे बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हाँ बच्चों, यहाँ पर हम लोग समापन कर रहे हैं बेसिकली डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, यहाँ पर दूसरा भाग खत्म होता हुआ, ठीक है। सो इस चैप्टर में मैं बताऊँ आपको, आपने आपने क्या क्या पढ़ा बेसिकली, आपने मोनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स का कंसेप्ट पढ़ा, एंड देन हमने डिविजन का प्रोसेस पढ़ा, बेसिकली पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं एंड बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ये हाईलाइट थी इस चैप्टर की। सो आई होप सो आपको पसंद आया होगा ये जो कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया था, ठीक है। एंड हाँ, जरूर मैजिक एडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट मैं आगे भी लेके आता रहूंगा आपके लिए, ठीक है। एंड जरूर नोटिफिकेशन बेल एनेबल कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हमारी वीडियो प्रीमियर होती है, ठीक है। एंड लाइक कर दो वीडियो को, अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है। एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपके दोस्तों की भी नॉलेज बढ़नी चाहिए, राइट, साथ साथ, तभी तो देश बढ़ेगा आगे, ठीक है। सो हाँ, कमेंट भी करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली पूछना। सो हाँ, इस वीडियो में इतना ही, एंड हाँ, मैं आपसे मिलूंगा स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।